और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं धारी देवी मंदिर, श्रीनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और मुख्य द्वार धारी देवी मंदिर का ठीक मेरे पीछे आपके सामने। और ये धारी देवी मंदिर का यात्रा मार्ग है जो आप देख रहे हैं, और मेरे साथी अमित और कोमल आगे जा रहे हैं। गाड़ी से जाना हो सर तो गाड़ी से भी जा सकते हो, मंदिर में गाड़ी भी जा सकते हो। इसी तरह से रास्ता है यहाँ का और थोड़ी दूरी पर है। हम ही मुझे बैठे हैं, ये बैठा है ना। और मैं आपको मंदिर के दर्शन करा दूं यहीं से एक बार धारी देवी मंदिर के। ये देखिएगा धारी देवी मंदिर, और आप देख रहे हैं धारी देवी माता का मंदिर, बिल्कुल अलकनंदा झील जो बनाई गई है उसके बीचों बीच बना हुआ है ये। अच्छा, मुझे यहाँ से उतरने में कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ के आऊँगा तब मुझे उल्टा चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ढाल है। ये अलकनंदा है, अलकनंदा है ये सामने जाके है। अलकनंदा नदी है, श्रीनगर से 10 किलोमीटर आगे, श्रीनगर से 10 किलोमीटर आगे। और रात 7:30-8 बजे तक हम, और ये देखिएगा बिल्कुल नजदीक से अलकनंदा चलो आपके ठीक सामने, चारों ओर का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ से, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ अलकनंदा माँ काली के चारों ओर के, और इधर धारी देवी का मंदिर ठीक आपके सामने। और जो इस मंदिर से एक जुड़ी हुई घटना है 2013 की, मैं उसके विषय में भी आपको नीचे जाके जानकारी दूंगा। और ये दर्शन करके आ रहे हैं लोग वहाँ से, चढ़ते हो तो मुझे, उतरते हो तो मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन जब चढ़ूंगा जब पैर थकेंगे मेरे। और मजे मजे में कम से कम मिले तो 500 मीटर की दूरी होगी ऊपर से नीचे तक झील। और देखो मंदिर कितने नज़दीक आ गया हमारे, मिल जाइएगा। और देखिए पूरा यात्रा मार्ग हमने जो है, और कोमल बहुत जल्दी आ गया यात्रा करके, अभी कहाँ गया, अभी आ गया ही नहीं है दोस्तों हमारा। और यहाँ से जो है मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है ये, यहाँ पे हम अपने जूते चप्पल उतारेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। और ये झील जो आप देख रहे हैं ठीक आपके सामने, अब हम जूते चप्पल उतार लें, और उसके बाद में यहाँ जो है ये एक झूला पुल बना हुआ है, ये देखिएगा। और देखिए हम लोग धारी देवी मंदिर के अंदर बिल्कुल आने वाले हैं, और अंदर का व्यू मैं दिखा नहीं सकता हूं आपको, क्योंकि यहां जो है नोटिस लगा हुआ है चेतावनी, मूर्ति की फोटो खींचना मना है, तो अंदर वीडियोग्राफी भी नहीं होगी। तो मैं यहीं से आपको चारों ओर का व्यू दिखा रहा हूं। हम इस तरह से यहां से आए हैं, ये हमारी गैलरी है जिधर से हम लोग आए थे, और बिल्कुल झील के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। अब हम लोग दर्शन कर लें, उसके बाद में आप लोगों से बात करते हैं, जब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें। कि आप और मैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माता धारी देवी के बिल्कुल साक्षात आप दर्शन कर रहे हैं आपके ठीक सामने। मैंने पहले पंडित जी की आज्ञा ली है, उसी के पश्चात अपना कैमरा मैंने चालू किया है, क्योंकि बाहर वैधानिक चेतावनी लगी हुई थी, उसको फॉलो करना बड़ा अनिवार्य था। इसलिए जब हम मंदिर में आए हैं तो नियम और कायदे मानने बड़ा जरूरी है हमारे लिए। माता धारी देवी के दर्शन आप साक्षात कर रहे हैं, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पंडित जी ने मुझसे कहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, अभी मेरे जो है बनाएंगे अंकित, मैं आपको ये बता रहा था कि एक 2013 में जब केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी, तो उस समय धारी देवी जी का नाम बहुत ज़्यादा जो है प्रचार में आया था, जबकि माता जी को किसी जो है प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, जग जननी है भाई उन्हें। तो वो जो घटना थी उसके बारे में जो है मैं पंडित जी से कुछ पूछना चाहूँगा गुरु जी, उसके विषय में आप हमें बताइए। जब 2013 में प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ में, तो ऐसा सुना गया है जो ये माता जी की पिंडी थी, ये जहाँ पे इस समय है, ये उसके नीचे धरातल पे विराजमान थी, तो जब ये हटाया गया तो उसके पश्चात में क्या हुआ वो बताइए आपने। पहले आप ये पूछिए कि देवी की जो प्रतिमाएं हैं उनको यहाँ पे लाया क्यों गया। हाँ, ऐतिहासिक तो ये है कि माता को कोई लिखित इतिहास तो है नहीं,
ठीक है जी। तो मान्यता है कि द्वापर युगीन है माता जी, ये हम लोग मानते हैं। ये भी मानते हैं कि पांडवों द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जा चुकी है, जिस मनोकामना पूरी करने वाली देवी है और चार धाम की रक्षा देवी भी कहलाती है, चार धामों की रक्षा करने वाली देवी कहलाती है। क्योंकि जो मार्ग है वो माता के मंदिर से ही होके जाता था प्राचीन में, अब तो कुछ समय कालखंड में ये रोड ऊपर चली गई है इसके कारण लोग सीधे चले जाते हैं, लेकिन जो पहले के तीर्थ यात्री आते थे वो माता के मंदिर से ही होते हुए आते थे। माता का मंदिर इस स्थान पे नहीं, जबकि ये जो नया मंदिर बड़ा था आपने देखा होगा जी, उसके नीचे था जी जी, एक चट्टान के ऊपर विराजमान था। उस मंदिर में ही माता की पूजा अर्चना नित्य नियम से की जाती थी, लेकिन डैम बनाने के कारण जी, देखो क्योंकि नदी के किनारे था जी और बिल्कुल नदी के किनारे से सटा हुआ था जी, तो वो डूब क्षेत्र में था ही जी जी, डूब क्षेत्र था पूरा। लेकिन सरकारों के द्वारा उनको जो है उच्चीकरण का आदेश दे दिया गया, माता के मंदिर को वहां से विकसित करने का आदेश दे दिया गया, और 2013 में जो बाढ़ आई केदारनाथ जी की, उस बाढ़ की भेंट हमारा धारी देवी का प्राचीन सिद्ध पीठ का जो मंदिर, जो सिद्ध स्थल था जी, वो भी उस आपदा की भेंट चढ़ गया। समय रहते इन प्रतिमाओं को यहाँ पर स्थापित कर लिया गया, अन्यथा ये प्रतिमाएं भी यहाँ से बह जाती, विलुप्त हो जाती हैं, फिर विलुप्त हो जाती हैं। तो ना तो आप प्रश्न पूछ रहे होते, ना मैं उत्तर दे रहा होता। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका ये ऐसा है, यही प्रश्न लेके प्रत्येक एक दिन में नहीं भी है तो कम से कम 100 बार कोई ना कोई ये सवाल करता है जी जी, कि क्या ये वही माता है जो प्रलय लेके आई या इन्हीं को छेड़ने से। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था कि क्या ये वही माता है। मैं आपको एक चीज बता जी जी जी, लोग 100 प्रकार के ऐसे प्रश्न लेके जी जी जी, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ उन लोगों को भी कि जो ये मानते हैं, जो ये समझते हैं, जो उन्होंने उनसे पूछे तो कहते सुना था जी। कई लोग अपने ही यहाँ पे जो है विस्तार पूर्वक कहानी बताने लग जाते हैं अपने जो साथ में आए हुए लोगों से कि यही वो माता है, इनको हटाया प्रलय। ऐसा कुछ नहीं है, प्रलय जब आ चुकी है, केदारनाथ से पानी अंदर आ चुका है, मंदिर के अंदर पानी घुस चुका है, तब ही जाके देवी की प्रतिमाओं को यहाँ पे स्थापित किया गया। लेकिन हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डैम बनाने के कारण ही ये मंदिर डूबा है। चलिए, अगर डैम नहीं बनता तो इतना पानी तो था भी नहीं कि जो केदारनाथ जो प्रलय आई है जी, इतना पानी नहीं था कि वो मंदिर को छू भी सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और देखिए, माता रानी की असीम कृपा है और मेरा सौभाग्य है कि मैंने मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी कर ली, वो भी पंडित जी की आज्ञा लेकर। आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होना चाहिए, और जब आप किसी धार्मिक स्थान पर हो तो वहाँ कोई भी जो है नियम विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मुझे अच्छी नहीं लग रही है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप धार्मिक स्थलों पर तभी आएँ जब आपकी आस्था हो। और आप जो कुछ ये कपड़े पहन के आते हैं, मैं सभी से ये बात कह रहा हूँ, महिला पुरुषों से, सबसे, ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक विशेष से कह रहा हूँ मैं, तो आप अपनी जो है ड्रेस कोड का ध्यान रखें प्लीज़। आस्था ना हो तो आप ऐसी जगह पर ना आए। कोई आपको डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको यहाँ किसी मंदिर में आना है। और पिकनिक मनाने के लिए और जगह बहुत है, मंदिरों में पिकनिक ना मनाना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, मुझे उतरने में तो इतनी समस्या नहीं हुई लेकिन चढ़ने में होगी, क्योंकि चढ़ाई थी इसलिए। और शाम होने वाली है, सूरज ढल गया है, अब अंधेरा होने वाला है और लगभग मे भी 8 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आप देख रहे थे धारी देवी मंदिर उत्तराखंड, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा था आज। जय शेरावाली मैया, जय माता रानी। और मेरे साथी आगे जाते हुए, और अंकित पीछे आ रहा है, और आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, मेरा ड्यूटी आप लोगों से कहना। अब आप इसे फॉलो करें या ना करें, एज यू विश। और मंदिर परिसर से आ गए हम लोग बाहर, और यहाँ चारों ओर जो है प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं पूरे यात्रा मार्ग में। और ये मंदिर एक बार और दिखा रहा हूँ मैं, तो मैं आप सब लोगों की आज्ञा चाहूँगा, और हम लोग फिर मिलते हैं किसी अगले पड़ाव पर। धन्यवाद।